सो हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग. एक्चुअली नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून. 1:30 बज रहा है और अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं. आज जिम भी नहीं गया मॉर्निंग में क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, और अभी थोड़ी देर में क्लासेस के लिए निकलूँगा. सो नहा लेता हूँ फर्स्ट, कुछ खा लेता हूँ. एंड आई थिंक मैंने रात को ही खाया था जो खाया था, प्रोटीन और मील जो था मेरा खाने का, उसके बाद मैं सो गया था अभी. सो प्रोटीन शेक भी पीना है. एंड क्लासेस की अगर बात करें तो काफ़ी स्मूथ जा रहा है सब कुछ, एंड चीज़ें काफ़ी पहले से बेटर हुई हैं. थोड़ा मैं जल्दी चीज़ें ग्रैप कर रहा हूँ, और एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो मैं वीकेंड्स में जाके सीखता था और मुझे बहुत लिमिटेड टाइम मिलता था बोलने के लिए, अब थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है. तो थोड़ा अच्छा लगता है जब यू सी कि यू आर इम्प्रूविंग. और पहले मैं थोड़ा घबरा गया था जब मेरी नाइट शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि आई थॉट कि मैं कैसे मैनेज करूँगा. वीक ऑफ्स भी संडे मंडे हैं, सैटरडे संडे नहीं है. बट फिर थोड़ा मैंने सोचा और आई रियलाइज्ड कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा कम सो लेंगे, कुछ नहीं होता, 1-1.5 घंटा कम सो लेंगे, बट एटलीस्ट मैं थोड़ा जल्दी चीज़ें कवर कर पाऊँगा और शायद थोड़ा जल्दी सीख जाऊँ. अभी के लिए तो 2 महीने के लिए तो अभी कोई टेंशन नहीं है, बाकी उसके बाद देखते हैं कि क्या शिफ्ट मिलती है और कैसे होता है. एंड जिम तो मोस्टली शाम को ही जा रहा हूँ. कल शायद मैं मॉर्निंग में जाऊँ, क्योंकि कल मंडे है तो कल चेस्ट डे है. अगर मॉर्निंग में गया तो आई शूट दैट, और बाकी फिर यू गाइस विल गेट टू सी, चैनल पे मिल ही जाएगा आपको देखने को. अभी मैं क्लास जाता हूँ, नहा लेता हूँ पहले फटाफट. ओके बाय. गाइस, जो टेबल लैंप मंगाया था वो आ गया है. अभी उसको अनबॉक्स करेंगे एक अनाडियो वाले स्टाइल में. लेट्स अनबॉक्स इट देन. एक हाथ में फोन है और एक हाथ में नाइफ. वन एंड लेट्स सी कैसा निकलता है. ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है. आई होप कि काम चल जाएगा इससे. भाई कैसे पैक किया हुआ है. यहाँ से भी काटना है क्या. ओके ऑल राइट, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ इट. एज अ गिफ्ट दिया हुआ है. ओके सो कुछ ऐसा दिखता है ये. हियर इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. कल तो एक याद आया घूमने, तो तेरी फोटो देखी थी मैंने. अच्छा, अबे मैं पहले बुआ को देखो, मैंने तो छोड़ दिया था दीपक को, छोड़ दिया था बैंक को जाकर. उसके बाद मैंने कहा क्या वहीं कटवाए थे उसके उधर ही. 150 साढ़े फिर भी सस्ते में कटे हैं. मतलब वो देखी सही है, वर्थ है जब उसने सर्वर. अब उधर अंडे दिए, वो खा नहीं रहे. देखो खाते हैं उधर, देख उधर खा रहे.
ऑलराइट सो गाइस जिम पहुंच गए हैं। अभी जाके कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अंदर फिर वही म्यूज़िक लाउड रहता है। के वर्कआउट में एक चेंज है, आज इंक्लाइन बेंच प्रेस से स्टार्ट करेंगे। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. मॉर्निंग में जिम से मैं आ गया था एंड उसके बाद मैंने फटाफट से प्रोटीन पिया अपना एंड मुझे स्कूटी का काम करवाना था क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ही आ रही थी कि उसका पॉल्यूशन पास नहीं हो रहा था और वो हो इसलिए नहीं रहे था, वो भी मेरी ही गलती है, मैंने चेक नहीं किया। सिंस लॉकडाउन था तो घर से ही काम कर रहा था और स्कूटी इधर उधर भी नहीं जाती थी कहीं, सिर्फ जिम के लिए जा रही थी और कभी कुछ काम पड़ गया घर का तो इसलिए मैं तब इधर उधर जाना हो रहा था उससे। सो
मैंने मैकेनिक को दिखाया तो उसने बोला कि इसका पूरा इंजन का काम होगा, खुलेगा इंजन उसके बाद ही ये सही होगी, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। तो फिर मैं उसको लेके गया अभी जस्ट और दे के आया हूँ उसको। अब उसने बोला था कि 130 या 2 के आसपास हो जाएगा एंड टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 145 हो रहे हैं अभी। सो उसको लेके आएंगे। क्लास मेरी होनी थी आज बट वो कैंसिल हो गई है, मुझे जस्ट मैसेज आया। सो अब प्लान ये है कि आज मेरा टेस्ट भी था, सो अभी चल गया, कल होगा जब कल क्लास होगी। तो शाम को शिफ्ट है तो अभी जस्ट मील लूँगा आराम से और थोड़ा सोऊंगा अच्छे से। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट भी कर दो। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो यार। बाकी मेहनत करते रहो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।